जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है प्लीज। ये पेज नंबर 21 से लेके 24 तक जो क्वेश्चन है उनमें कहाँ कहाँ इश्यूज आए हैं स्टूडेंट्स। ये मेरा ना इसलिए टाइम टेबल इसलिए मेरा कल जेन बना था कि आप घर के लिए जाए जॉलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। चलिए सर फिर क्वेश्चन से पहले कि हम कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चले। एक पेज नंबर 25 जरा फाइनली पढ़ो। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब लोग 24 तक इकट्ठे हैं। आप भी अज्यूम कर रहे हैं ये जिन्होंने किया अगर आप लिखो लेंगे पेज नंबर 23 पे पॉइंट नंबर 4 का जा रहा है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर नीचे वर्किंग हुई भी है नहीं मतलब जब रिडीमेबल एट पार है इश्यूड एट पार रिडीमेबल एट पार है नहीं रिडीमेबल इश्यूड एट पार है रिडीमेबल एट पार है पेज नंबर 23 का देखा था उसमें टेबल बनाया भी हुआ है नहीं टेबल बनाया भी हुआ है नहीं मतलब मैं पूछने के लगा मैं बताने लगा हूँ इसमें पहले जो एक गरीब पूछ रहा है मतलब पहले वो बात कर लेते हैं। पेज नंबर 23 के एंड पे एक टेबल बना हुआ 10% की बेस पे आपकी एनपीवी जीरो आई है इसका मतलब इसका रेट 10% प्री टैक्स एक मिनट बात कर लेते हैं पोस्ट टैक्स से कर लेते हैं लेकिन इस वर्क इस टेबल की जरूरत नहीं है अगर इश्यूड एट पार और रिडीमेबल एट पार। जिस तरह बैंक लोन दोबारा जेहन मिला बैंक लोन में कल बात हुई है बैंक लोन में वापसी भी उतनी नहीं प्रिंसिपल सेम है तो वो जहां वो बात हुई थी वो सेम ही है वहां करना चाहते कर सकते हैं लेकिन वो टाइम वेस्टिंग। अब आप शायद बी पार्ट में करना चाह रहे हैं अच्छा अच्छा बी पार्ट में पॉइंट नंबर 4 में दोबारा वही वर्ड्स लिखे हुए लेकिन वहां डिफरेंस क्या है तो 10 को सीधा भी 70% कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ कब हो सकता है इश्यूड एट पार रिडीमेबल एट पार जो बड़ा रेयर ही चांस है एग्जाम में हो लेकिन अगर हो जाए तो पता होना चाहिए ऐसे टाइम पे इसका ठीक है ये क्लियर हो गया नहीं आप जो पूछ जी सर फाइनली आ जाए पेज नंबर 25 कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक वर्ड आया था वैक इट इज एन एब्रीविएशन फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए कोई कंपनी ध्यान में ला जरा कंपनी उसमें इक्विटी भी हो सकती है और डेट्स भी हो सकते हैं। यहां हमने अभी तक इन पेजेस पे क्या पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होनी है और कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट होनी है। फाइनली अब ये बहस आ गई कि अगर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट हो गई है तो इसका ऑन एवरेज कंपनी की ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है क्या मतलब इक्विटी भी है डेट्स भी हैं उनके अलग अलग रेट्स हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी अलग है कॉस्ट ऑफ डेट अलग है लेकिन फाइनली पूरे बिजनेस एज अ होल का ऑन एवरेज क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है तो उसके लिए क्या कहा गया। अच्छा अब ये एवरेज एक तो ये होती है परसेंटेजेस इकट्ठी करें जमा 3-4 जो भी हैं 3% हैं जमा 3 लेकिन उसे वेट करना उसे वेटेड बनाना। अगर इक्विटी का वजन ज्यादा है तो उसके रेट का वजन भी ज्यादा होगा अगर डेट का वजन ज्यादा है
तो उसके रेट का वजन, तो वजन के मुताबिक जितना उसका वजन बनता है, वेट बनता है, वेटेड एवरेज। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से अंदर रखेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। लिखा है वैक इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी यूजेस। एवरेज इज वेटेड टू अलाउ फॉर द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल इन द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले एक सिंपल से एग्जांपल देख लें। कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैक। वैक किसकी एब्रीविएशन है? ऑर्डिनरी शेयर्स है जी, बैंक लोन है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, चीजें सारी अलहमदुल्ला आपने कवर करनी है। आगे लिखा है मार्केट वैल्यू और आगे उसकी कॉस्ट दी हुई परसेंटेज में। कॉस्ट ऑफ क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट रिस्पेक्टिवली है। जो आपने वर्किंग्स करनी है वो यहाँ आ गई है। इसकी बेस पे हमने क्या कैलकुलेट करना है? वेटेड एवरेज। कैसे कैलकुलेट होना चाहिए वो मुझसे सुन ले, हुआ हुआ आप अपना माइंड अप्लाई करते हैं। सिंपल तरीका पहला क्या है जी? ऑर्डिनरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है? 36। तो मार्केट वैल्यू आप ढूंढ लेंगे, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 36, 10, 8, 6, टोटल करें। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में इनकी परसेंटेज लिखना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट रिस्पेक्टिवली जो गिवन है 18%, 9%, बल्कि 18.9 ऊपर परसेंटेज मैंने अगर कॉमन लिख दी, चलो 12 जी, अच्छा सॉरी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ही रहने देते हैं, हम वही कर लेते हैं जो ऊपर हुआ। 8, 6, टोटल बदल जाएगा। अच्छा नीचे और आगे 18, 9, 12 एंड 14। सिंपली पहले दो स्टेप्स किए हैं जी, क्या करेंगे? मार्केट वैल्यूज उठा लेंगे, जितने भी सोर्सेज ऑफ कैपिटल है इक्विटी एंड डेट, और उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स उठा लेंगे। अगर नहीं होंगे तो वैसे ही कर लेंगे जैसे करते हैं। देन अब करना ये है कि इसे वेटेड एवरेज बनाना। एक सिंपल एवरेज ये हो सकती है कि 18, कैलकुलेटर पकड़ 18 + 9 + 12 + 14 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये क्या है, ये क्या है, ये सिंपल एवरेज हो जाएगी। हमने वेटेड बना, इसका तरीका क्या होगा? कंसंट्रेशन से पहले एक देखना, वजन जो है वो मार्केट वैल्यू से उठाना। 60 में 36 का वजन कितना है? नहीं नहीं, वो तो 18% तो रेट है ना, कैलकुलेटर पकड़ना। 36 डिवाइड बाय 60 क्या मतलब, ये क्या 60%? प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इन द टोटल कैपिटल इज 60%। अगर उसका वजन 60% है टोटल में, तो उसके रेट का वजन भी 60% होगा। तो 60% ये कैलकुलेट हो गया। वजन कहां से उठाना? मार्केट वैल्यू से। वजन मार्केट वैल्यूज की बेस पे बनाने और मल्टीप्लाइड बाय 18% करते हैं। एक मिनट आंसर बताएं, व्हाट इज 10.8? वजन ऑफ 18% बिकॉज 60% ऑफ द वजन ऑफ इक्विटी इन द टोटल इज देयरफॉर 10.8। मतलब उसका वजन 60% अगर है तो उसके रेट का वजन भी 60% बेस पे टोटल। वजन कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ चार भाई बैठे हैं, उनका वजन कर ले रहे ए बी सी डी, टोटल वजन मिस्टर ए का वजन टोटल में, ऐसे ही करेंगे परसेंटेज निकालेंगे। तो शेयर्स का वजन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड ज्यादा आ जाएगा। क्या होता है? इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लोन्स हैं और इक्विटी। तो बिजनेस में जो टोटल फंड्स हैं उसमें इक्विटी का वेट 60% है, देयरफॉर उसके रेट का वेट भी 60%। अगला एक करवाता, ए डिवाइड बाय 60 इनटू उसका रेट
लिख के कंप्लीट करें, जरा साथ ही लिखें या पेज के ऊपर जगह वहां लिखें। जी मिस्टर जिशान, जिशान और नहीं जिशान वाले भाई अली के अली वर्किंग भाई आंसर। अली मुझे मुसलसल गुस्से से देखता है क्लास में, मैंने कहा अली हो जाए। वर्किंग करें यार, मेरे उधर रहते बैठ कर। तो और बता रही एवरीबडी एनी बडी एल्स अली, जिसके शुरू में आता हो एंड में आता हो वही बोल। नहीं अक्सर होता है नाम एंड में तो होता ही है, पता ही नहीं क्या शुरू में आता तो पहले वो बता दो। अच्छा ठीक है मोहम्मद अली, ठीक है जी मोहम्मद अली आंसर बताना है यार क्या होगा। 1.2 चलो मैं एक ही लिख लेता हूँ। 1.2 1.2 वो दोनों का वजन सेम, ये कैसे हो सकता है? 8 और 6 हैं, उनके रेट पर रखो ना, उनके रेट रेट हो। फाइनल 2.33 राउंड ऑफ हो गया जी। हारून अली माशाल्लाह, हारून अली हैदर मिड में, ठीक है सर टोटल करें। सत्या ने इस बगैर वॉशिंग में जब देखा है तो इसी क्या वजह है, पहले देख लिया बता। 15.33 अल्हम्दुलिल्लाह क्या आ गया, रैक आ गया सर। फाइव थ्री सर जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या आ गया हमारे पास, रैक आ गया सर। तो व्हाट इज द वे टू गेट द रैक? मार्केट वैल्यूज परसेंटेजेस प्रोपोर्शन मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव रेट्स, ठीक है सर। निकालने की जरूरत पड़े तो नीचे एक टेबल बना समराइज फॉर्म में, हम उसको अप्लाई करते हैं, फिर आप किस दिन पढ़ लीजिएगा। ये समरी सी बनी हुई नीचे टेबल, मार्केट वैल्यूज लेने डन पढ़ने जरा एक मिनट से पढ़ लीजिए। ये नोट होगी वर्किंग 15.353 सोर्स ऑफ फाइनेंस लिखे में जी, मार्केट वैल्यूज आएंगी कैसे ये लिखा हुआ, शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे आएगी जी? मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, डिबेंचर्स सॉरी प्रेफरेंसेस की कैसे आएगी, बैंक लोन की कैसे आएगी, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू होगी, डिबेंचर्स की भी वैसी आएगी, ए रिडीमेबल लोन रिडीमेबल लोन कन्वर्टेबल लोन मार्केट वैल्यू पर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स, बाकी उसकी फिर परसेंटेजेस ले लेनी है आपने और फाइनली इसको वेट करना, वेट करके जो परसेंटेज आएगी फाइनली टोटल वो फिर बैक कर जाएगा। चले आगे नेक्स्ट लिखा हुआ इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, एनपीवी जेन में लाया था, एनपीवी में रेट चाहिए होता है लेकिन सवाल सर जी मिक्स हो सकता है। एनपीवी के क्वेश्चन का डाटा दे दें और रेट जो है वो भी वर्कआउट करवा लें, तो वैक निकालेंगे आप और एनपीवी निकाल लें, हो सकता है क्वेश्चन इकट्ठा। पहले क्या होता था, अगर एनपीवी निकालनी तो रेट होता था, लेकिन अगर वो एनपीवी मांग ले रेट ना बताए, हाँ अगर वो आईआरआर कहे तो आईआरआर भी निकल आएगा, लेकिन अगर एनपीवी पे ही जोर दे और रेट ना हो तो क्या आप रेट तक पहुंच जाएंगे? yes, sir, yes. और फिर वो जो रेट यूज होगा वो वैक यूज होगा, जिस
क्योंकि हो सकता है कि आपने सिर्फ शेयर से नया प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करना हो सकता है आपने शेयर्स और लोन लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, लेकिन अगर सिर्फ शेयर्स लेके ही अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही आपकी डिस्काउंट रेट होगी, लेकिन अगर दोनों हो जाएंगे तो फिर एक एवरेज बन जाएगा। तो एक पैराग्राफ पढ़ेंगे जरा, बल्कि पहले एनपीवी याद है क्या है? अगर पॉजिटिव आ जाए तो मतलब 10% पे पॉजिटिव आ गई, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 10%, नेगेटिव आ जाए तो आप अगर वैक फॉर एग्जांपल 10% आपका है उसकी बेस पर अगर आप एनपीवी की वर्किंग करेंगे तो पॉजिटिव ये बताएगा कि आपका प्रोजेक्ट इस वेटेड एवरेज से ज्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है, इक्वल आ जाए तो इक्वल कमा रहा है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। वन अप्रोच टू द वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनीज इज दैट ऑल ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स शुड बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रिटर्न कम अज कम इक्वल टू एंड आइडियली इन एक्सेस टू वैक। कम अज कम कितना? कम अज कम इक्वल और बेस्ट ये हायर, लोअर की बात नहीं। If all their investment projects earn a return in excess of WACC, the company will earn sufficient returns overall to meet the demand of cost of capital providers, which means shareholders, and provide its investors with the return they required. मैंने कुछ अपने तरफ से वर्ड बीच में लगा दी। Company will earn, अगर positive answer है, तो company will earn sufficient return overall to meet cost of capital. अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बढ़ जाता है, शेयर्स भी कवर्ड है और डेट भी कवर्ड है, एंड प्रोवाइड इट्स इन्वेस्टेड विद द रिटर्न दे रिक्वायर। तो अगर वैक के बराबर भी आ जाए इवन, तो क्या हम उतना दे सकते हैं जितना वो चाहते हैं? अगर ज्यादा आ जाए फिर तो क्या बात, फिर तो सुभान अल्लाह। अब ये अभी इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे जिसमें बीच में टाइम वैल्यू मनी के साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जरा वैक की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना है। अ कंपनी हैज 10 million shares each with a value of 4.2 whose cost is 7.5%. पढ़ते रहे खामोशी से। It has 30 million of 5% bonds, rupees 30 million of 5% bonds with a market value of 101 per bond and after tax cost is 3.5%। ये कंपनी के एंगल से हमेशा आफ्टर टैक्स ही होना चाहिए, इन्वेस्टर के एंगल से बात और है, लेकिन अब शायद फाइनली बात सारी सिमट के कंपनी की तरफ आ रही है। हाँ, अगर वो बहरहाल कह दें कि कंपनी के एंगल से प्री टैक्स निकालें तो वो आपने शायद कल भी निकाला, लेकिन अगर वो ना कहे नहीं वो तो टैक्स आने नहीं ना, इधर टैक्स नहीं आना उधर तो नहीं आना, ना शेयर्स में आना है ना सॉरी ऑर्डिनरी शेयर्स में आना है ना प्रेफरेंस शेयर्स में आना, तो वहां तो बहस है ही नहीं है, जहां टैक्स है वहां टैक्स आना। It has bank loan of 5 million whose after-tax cost is 3.2%. It also has 2 million 8% debentures of rupees 1 whose market price is 1.33 per share and whose cost is 6%. Calculate the WACC. शायद उसने after-tax वहीं वहीं बोला है जहां जहां उसे बोलना चाहिए था। सिर्फ shares लिखे हैं तो definitely ordinary shares होंगे, वहां उसने नहीं कहा, और जहां प्रेफरेंस शेयर्स उसने कहा वहां उसने टैक्स का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि अंडरस्टूड बात है वहां प्री और पोस्ट सेम ही हो। आपने वैक निकालना है, आसान वर्किंग है तो कैलकुलेटर पकड़ें, बाकी अभी क्वेश्चन करते हैं लंबे लंबे बड़े बड़े, पहले आसान आसान वर्किंग जरा फाइनल करना। जी 10 million शेयर है, अपने बैग निकालना जी, बैग के तीन कॉलम बताने कौन कौन से, टोटल मार्केट वैल्यू, इंडिविजुअल कॉस्ट और लास्ट में वर्किंग हो, बैग की वर्किंग। तो टोटल मार्केट वैल्यू कैसे आएगी, 10 × 4.2 42 million हो गया, उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट 7.5% है। अभी लास्ट कॉलम में नहीं जाना, प्रेफरेंस शेयर्स से पहले आप उधर ही आए जो ऊपर बॉन्ड दिए हुए, कंसंट्रेट करना फुल, यहाँ एक गेम है, 30 मिलियन रुपीज है और 101 कैप पर बॉन्ड मार्केट वैल्यू है। अब आपको यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड चाहिए होंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड
अगर 30 मिलियन लिखा हुआ है तो ये पार वैल्यू से डिवाइड होंगे, और पार वैल्यू अगर नहीं पता तो 100 होगी। 30 मिलियन क्या है? रुपीस। एक बॉन्ड कितने का है? 101 मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालेंगे? 30/100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 101। नहीं नहीं वो फिगर आ जाएगी, फिगर आ जाएगी, फिगर यूज कीजिए। 30/100 क्यों है? डिबेंचर निकालने के लिए, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए। तो 30/100 × 101 फाइनली 30.3 मिलियन रुपीज मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आई है, और उसका रेट है 3.5 हजंड डिवाइड बाय 100। नोट कर ले कहीं ढूंढ ले, वाई डिवाइड बाय 100। बाई डिफॉल्ट वी अज्यूम के डिबेंचर्स बॉन्ड्स फेस वैल्यू 100 होगी जी। क्या नहीं 1.01 का मतलब परसेंटेज में ना जाए ना, अब मार्केट वैल्यू निकालना ना, डिबेंचर इंटू होने की तो बड़ा कुछ हो सकता है। 30.030 कैलकुलेटर पे सीधा लिखे होने को बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन डिवाइड बाय 100 है बस, और फेस वैल्यू है। ठीक है चलेगा। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू बता दें, सेम एज बुक वैल्यू, उसका रेट 3.2% दिया हुआ है। और प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवा दें, ये है नहीं जरूरत नहीं है, 2 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स ही हैं। हाँ सीधा मतलब मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर 2 मिलियन गिवन है, तो 2 × 1.3। ये पिछला पेज एक सेकंड देखें ना, क्या करना था, ये पर शेयर को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पर बॉन्ड को मार्केट बाय नंबर ऑफ बॉन्ड, मार्केट वैल्यूज निकल रहे हैं। बाकी कैलकुलेट करें जी, ओवरऑल कॉस्ट चेक करें कैसे आएगी एक बता दे मुझे। 42 डिवाइड बाय 79.96, ये टोटल चला चेक कीजिएगा, सही है, एक मिनट चेक कीजिएगा, 79.96 ठीक है टोटल। माइंड अप करेगा, वर्किंग चेक करें चारों। जी 5.66 या 5.67। डन सर। अरे दूसरी एग्जांपल करवानी है रजिस्टर सर कॉल में। कंपनी हैज जस्ट पेड, चलिए ये सारी गेम इकट्ठी होने लगी है। द कंपनी हैज जस्ट पेड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 0.18। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द एनुअल डिविडेंड टू ग्रो बाय 3% ईच ईयर इन परपेचुटी। राम राम सर। द करंट शेयर प्राइस इज 1.55 ईच एंड द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर्स इज 1.2 मिलियन। The company has a bank loan on which the yield is 7.8% before tax. Tax rate is 30%. Total value of the loan is 350,000. Calculate
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यूज द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। गेम शुरू, जहां जो आंसर नजर आ रहा है वहां हमारा कुछ रख लें। फाइंड आउट करना है जी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मेट फाइनल कर लेते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस लिख देंगे कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, टोटल मार्केट वैल्यू, राइट कॉलम में क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो इंडिविजुअली कैलकुलेट होगी, और फाइनली एवरेज निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे इंशाल्लाह। रेडी, पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस बताएं, ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह गिवन है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, गिवन है 1.2 मिलियन टोटल गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स देने के बजाय मार्केट प्राइस देने के बजाय उसने बता ही दिया, बता दिया सर। इसके सामने आप क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तीन चार लाइनें रखें वर्किंग वन में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए ग्रोथ मॉडल है या विदाउट ग्रोथ है। ग्रोथ मॉडल से याद आया, आप लोगों ने तो कल पेज एक बनाया है, आज बनाना है, जरा के लगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही नहीं यार, ये सही नहीं तरीका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड, कौन सा, हाँ जी डी नॉट, डी नॉट लेके 1+G है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू है और प्लस जी है, ये मेरा ख्याल है प्लस जी ऊपर वाले के साथ नहीं है, ये ब्रैकेट एज अ होल सॉल्व होके प्लस जी होगा, इसको लेदर रखे मेरे ख्याल से, डी नॉट 1+G ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, ये थी, ये आपने बताने फॉर्मूला, मैंने को नहीं याद किए, नहीं मतलब आपने बताने, आपने याद किए, डी नॉट बताए, जस्ट पेड, ये डी नॉट ही है, डी नॉट ही है 0.18, जस्ट पेड 1+G 0.03 डिवाइड बाय 1.55 कहां से आ गया, अब एक शेयर के साथ कर सकते हैं हम, सारे शेयर्स के साथ भी कर सकते हैं, टाइम वेस्टिंग है यकीनन कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स कैसे आएंगे, आने लगे 12 लाख लेके कैलकुलेटर पर, 12 लाख डिवाइड बाय 1.55 पर शेयर मार्केट वैल्यू, क्या ख्याल है, 1.55 मार्केट वैल्यू पर शेयर से ही आप डिवाइड करेंगे, मार्केट वैल्यू अगर है डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर ही शायद होना चाहिए, नहीं शेयर कैपिटल गिवन ही ना, नहीं 12 लाख मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू पे होगा, उधर से लिंक नहीं बनता, लेकिन 1.55 से नंबर ऑफ शेयर्स आ सकते हैं, तो यकीन नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.18 करके टोटल डिविडेंड हो सकता है, और डिवाइड बाय फिर 12 लाख पूरा भी हो सकता है, लेकिन आई होप के बात समझ आ गई, क्या मैं पर शेयर कर रहा हूँ और टोटल भी कर सकता हूँ, मेरा ख्याल हो सकता है 14.96% क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नहीं अब पर शेयर है या टोटल शेयर है, क्या ख्याल है, एक शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक शेयर की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी आ जाएगी, सबकी से करेंगे उसकी आ जाएगी, परसेंटेज निकाल ली पर शेयर नहीं है, परसेंट है, डन है सर, 14.96 इंडिविजुअल कॉस्ट, ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है जी, बैंक लोन, मार्केट वैल्यू
इक्वल टू बुक वैल्यू। इंडिविजुअल कॉस्ट निकालने के लिए कहाँ लेके जाएंगे, वर्किंग टू में, बैंक लोन की कॉस्ट इधर ही कर ले, इधर ही कर ले। प्री टैक्स है कैसे, रेट ऑफ टैक्सेस 30%, आंसर इज 5.46%। ठीक है सर, वैक कैसे आएगा, मार्केट वैल्यू का सम करें और वेटेड एवरेज करो, फाइनल आंसर बताएं। एक मिनट ठहरिए सर, ठहरिए। नहीं फाइनल आंसर मैं मीन्स टोटल बताएं, बाकी ठीक है आप इंडिविजुअली करें करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन चाहिए थी, एट के नाइन जो आता लिख ले यार, एट या नाइन। एक आध वर्किंग लिखने की आदत बनाए जी, 12.8 समथिंग होगा। जिंदगी अप्रोक्सीमेटी है यार, फाइनली 12.81%। चलें जी मिक्स करके चीजें करें, पेज नंबर 27 पे आना। जी एनीबॉडी राइटिंग प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट हो गए। जी आपने सर जी को लिखा नोट कर ली वर्किंग साहब। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बीकेबी कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इक्विटी फाइनेंस शेयर्स रिटेन्ड अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। 5% preference shares, nominal value 1, non-current liabilities 7%, convertible bonds rupees 100 nominal value, current liabilities total trade payables pe total go. BKB company has an equity beta of BKB and ex-div market value of 1,125,000,000 रुपीस। डन है सर। एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड इज 21,000,000 एंड एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इज 6.25 मिलियन रुपीस। ये इनमें भी एक्स डिव चाहिए, इन फॉर्मूला में भी एक्स इंटरेस्ट ही चाहिए, एक्स इंटरेस्ट एक्स डिव, एक्स इंटरेस्ट सॉरी एक्स मार्केट वैल्यू। वो भी बातें सारी आपके जहन में आ जाएंगी इंशाल्लाह। द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ बीकेबी कंपनी हैज अ कन्वर्जन रेशियो ऑफ 19 शेयर्स पर बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड एक कन्वर्टेबल बॉन्ड ने 19 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होना है। द कन्वर्जन डेट एंड रिडेम्पशन डेट ऑन आर बोथ ऑन द सेम डेट इन 5 ईयर्स टाइम। ये डिफरेंट भी हो सकती है, गेम आगे आ जाएगी। The current ordinary share price of BKB is expected to increase by in the foreseeable future. Understand? Yes, sir. Equity risk premium is 5% per share per year. ये जरा वापस जाएं वो जहाँ बीटा का फॉर्मूला। रिस्क प्रीमियम उस फर्क को कहते हैं जो RM और RF के अंदर है। ये फार्मूला जरा ढूंढ के कहीं बोले, पेज नंबर बताएं। नहीं पेज नंबर 8 आज इंशाल्लाह याद हो जाएगा।
फार्मूला है मेरा ख्याल है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा, वो जो ब्रैकेट है ना उसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। उसे वैसे क्यों रिस्क प्रीमियम बोलते हैं आप जरा सोच के बताओ, वो असल में रिस्क प्रीमियम है, रिस्क लेने की वजह से जो इजाफी मिल रहा है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिटर्न एंड रिस्क फ्री रिटर्न, तो उस डिफरेंस को रिस्क प्रीमियम बोला जाता है। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ पढ़ लेना, विच मींस डिफरेंस बिटवीन आरएम एंड आरएफ। ठीक है, दोबारा सेंटेंस शुरू करें विदाउट ब्रैकेट। द इक्विटी रिस्क प्रीमियम इज 5% पर ईयर एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 4% पर एनम। वो ठीक है, बीकेबी कंपनी पेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी पेज प्रॉफिट टैक्स एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ, सॉरी किस चीज का रेट है जी, टैक्स रेट है, पेज प्रॉफिट टैक्स एट एन एनुअल रेट ऑफ 30% पर ईयर, टैक्स रेट है। आपने क्या निकालना, एक्सप्लेनिंग क्लियरली द अजम्पशन यू मेक इफ एनी, बिस्मिल्लाह पढ़ें। नहीं कंफ्यूज, एक छुट्टी, वो एक छुट्टी नहीं, सीरियसली कल फिर टाइम ही ना मिला हमारे को कि हम आज लेक्चर कवर करके आता, ऑनलाइन तो वो था नहीं, मतलब मजबूरी थी है, लेकिन बाद में लिया नहीं जा सका। कॉलम्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एक 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 ही छुट्टी है सर, तो वो एक ही छुट्टी मैटर करती है। टोटल मार्केट वैल्यू, इंडिविजुअल कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट परसेंटेज एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये ओवरऑल कॉस्ट आंसर में है, मैंने बैक लिख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आंसर वाला सफा आपके सामने प्लीज नहीं है, आप सिर्फ सवाल देख रहे हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस शुरू हो गया जी, सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू मुझे लग रहा है गिवन है, ना करें सही कंसंट्रेट करें यार, प्लीज नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। ये सब भाई अब एक एक चेयर जल्दी से छोड़ के साइड पर, साथ वाली चेयर से उठ जाए, एक एक मिनट भी निकालो इस काम में, जल्दी उठें जल्दी, दरमियान से इधर उधर हो जाए, साथ वाले भाई कोई चेयर में ना हो, आप हैं उठ जाए उठ जाए उठ जाए, बिखरे कम से कम एक एक चेयर का गैप रखें, बिखर जाए इससे पहले कि कोई बिखरे ना, इस तरह नहीं आपने जो हरकत की उसकी वजह से हो रहा है, जल्दी जल्दी। और अब ये चैलेंज नहीं है कि बिखर के हम बात कैसे करेंगे जी, रुपीज एंड मिलियंस, टोटल मार्केट वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, मिलियंस में लिख ले। कॉस्ट की वर्किंग करवाएं सजी आवाज प्लीज यार, खत्म करें, फुल कंसंट्रेशन, सवाए पढ़ाई की कोई बात ना हो, कंपनी इक्विटी में बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स भी लिखे हुए, लेकिन उसके अलावा वर्किंग करें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो प्रेजेंटेशन हो गई है, नहीं अब क्या कह रहे हैं, नहीं आ तो सकते हैं लेकिन ऑर्डिनरी शेयर्स मार्केट वैल्यू उसकी कॉस्ट, सर कंपनी की इक्विटी का मार्केट में पहुंचे आप, स्टॉक एक्सचेंज शेयर होल्डर बना, क्या बिक रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से मार्केट प्राइस ज्यादा होगी होगी शेयर की, बस ठीक है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए हुए ज्यादा सारे और उम्मीद है कि फ्यूचर में उससे भी डिविडेंड मिलेगा, तो मार्केट प्राइस बढ़ गई होगी प्रॉफिट्स की वजह से, किसकी मार्केट वैल्यू होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स की, शेयर्स की मार्केट वैल्यू होगी, सोचना ठंडे दिन सोचो, रिटेन्ड अर्निंग्स की मार्केट वैल्यू,
भी होगी, लेकिन उसी मार्केट वैल्यू के अंदर होगी। अगर किसी कंपनी के बड़े प्रॉफिट्स हुए हैं तो यकीन है मार्केट वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा टोटल मार्केट वैल्यू क्या है? शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, और डेफिनेटली इस मार्केट वैल्यू में किसका हिस्सा भी आ रहा होगा। मार्केट वैल्यू क्यों बढ़ती है? अच्छे प्रॉफिट्स की वजह से, फ्यूचर ग्रोथ की वजह से, उसके सारे इम्पैक्ट आ रहे हैं। आप कैसे पहुंचेंगे मार्केट वैल्यू तक? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, देख ले सोच ले। मार्केट वैल्यू इक्विटी है, इक्विटी होल्डर बनना है आपने, शेयर होल्डर बनना, इक्विटी होल्डर बनना, शेयर होल्डर इक्विटी होल्डर होगा। इक्विटी किसके पैसे है? नहीं, इक्विटी किसके पैसे है? शेयर होल्डर्स के। हजम तक ज्यादा जी, वर्किंग वन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का डिविडेंड मॉडल भी है, विदाउट ग्रोथ भी है, विद ग्रोथ भी है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपने फिर ढूंढना है। कैपएम भी है, कैपएम भी है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे ख्याल आप निकाल ही कैपएम से सकेंगे, डिविडेंड अवेलेबल भी नहीं है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपके जहन में फार्मूले आने चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू फिगर चाहिए मेरे 4%। अच्छा, इसका डिसाइड हुआ था मेरे ख्याल है कि पॉइंट्स में लिखना है, जरा उधर जाके जरा देखिएगा, फर्क तो शायद नहीं पड़ रहा था, लेकिन नहीं मेरा ख्याल है एक तरीका फाइनल करें, मेरा ख्याल है डिसाइड ही हुआ था कि परसेंटेज में लिखेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे, तो अगर शायद आंसर आ जाएगा, लेकिन कोई एक तरीका फाइनल रखा है जी। ठीक है, आ गया शायद, लेकिन मैं चाह रहा हूँ चेंजेस ना ही करें। 0.04 ठीक है, प्लस इक्विटी बीटा है, और रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, चाहे तो वो निकाल ले, वो निकल सकता है, लेकिन जरूरत नहीं, वो प्रीमियम दिया हुआ है। पॉइंट वन शायद आंसर आएगा, विच मीन्स 10% जी। 10% क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो आ गई मार्केट वैल्यू के सामने। अब डेफिनेटली वेट कब करना है? जब सारा हो जाएगा जी, ऑर्डिनरी शेयर्स के बाद प्रेफरेंस शेयर्स पे गेम चला लें, यहाँ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ना है। नहीं, प्रेफरेंस शेयर 21 मिलियन में नहीं है, कंसंट्रेशन प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी बताएं अवेलेबल है, रुपीज इन मिलियंस में अवेलेबल है 6.25%, सॉरी 6.425 मिलियन रुपीज, ऐसे ही है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करें, अपनी अपनी करें, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पहले डिसीजन एक लेना पड़ना है, रिडीमेबल है, रिडीमेबल है वैसे ठीक है, प्रेजेंटेशन भी हुई हुई वहां पे, हुई भी वही हुई भी जहाँ इरिडीमेबल होते हैं लाइबिलिटीज के अलावा, लेकिन वैसे अगर ना भी पता हो तो इरिडीमेबल है। कैसे जी? ठीक है, वो आपकी मर्जी है जी, करें जी फाइनल। एक मिनट है, कैसे ना? ना, 10 नहीं है मेरा ख्याल, नॉमिनल वैल्यू 1 है, अगर टोटल पे करना है टोटल पे हो सकता है, टोटल पे भी हो सकता है, लेकिन पर भी हो सकता है, पर 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 भी हो सकता है। फार्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। हाँ जी बिल्कुल सही है, मार्केट वैल्यू एक स्लिप चाहिए। तो डिविडेंड क्या है जी, ये कैसे आएगा?
10 मिलियन पार वैल्यू है। यस सर, यस सर, पार भी ये हो रही है, पार भी यही लग रही है। जी सर, इनटू 5% ऐसे ये 0.5 मिलियन डिविडेंड रुपीज में बन जाएगा। टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू टोटल है 6.25 मिलियन। ये तो पर शेयर की बेस पे होती है, दोनों हो सकते हैं, नहीं दोनों हो सकते हैं। नहीं नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स विदाउट टैक्स इरिडीमेबल तो बिल्कुल ही नहीं। फॉर्मूला देखा करें, ये फॉर्मूले फाइनल करें नहीं, कौन कौन से सबों पे है। इस तरह नहीं फॉर्मूले फाइनल होने चाहिए। प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला कहाँ है? सफर नंबर 18 बताया जा रहा है, जहां जरूरत पड़े फार्मूला देखना नंबर वन स्टेप है। अगर याद ना आए मेरी बात से तो पहले ढूंढना है कैंडी। डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फार्मूला विदाउट टैक्स। डिविडेंड पे टैक्स नहीं है, चाहे वो ऑर्डिनरी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो। 0.5 मिलियन रुपीज लिखे मैंने, डिवाइड बाय 6.25 मिलियन रुपीज मार्केट वैल्यू लिखी है। अल्टरनेटिवली 10 मिलियन डिबेंड 10 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, क्योंकि एक प्रेफरेंस शेयर 1 रुपए का है। पता है किसी को? तो अगर पार करेंगे तो ये 0.05 रुपीज बनेंगे, 1 × 5%। मेरा ख्याल है 0.05 डिविडेंड बनता, 5% ऑफ 1 पर कर रहा हूं, पर शेयर। एक शेयर की मार्केट वैल्यू बता, 0.625 कैसे ना करें यार, हिम्मत करें क्या हो? 2.5 मिलियन डिवाइड बाय 10 मिलियन तो 0.625 रुपीज पर शेयर शायद। और एंगल से फाइनल करें प्लीज, फाइनल आंसर आएगा आपका 8%। दोनों तरह से किया मैंने, टोटल से कर लें या पर शेयर में कन्वर्ट करके कर लें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आई बात, ठंडे आज ऑनलाइन स्टूडेंट्स बिल्कुल ठंडे हैं, हालांकि आज ठंड कम है, नहीं मौसम ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बात नहीं है जो थी कुछ दिनों में। मेहमानों को ज्यादा जहमत नहीं समझते यार, प्लीज ये ठंड मेहमानों की तरह है, इसने चला जाना है, फिर आपने पूरा साल कहते रहना है गर्मी बड़ी वाला है। तो कोई नहीं, अगर कभी मेहमान आई जाए तो वो रहमत की तरह आप महसूस करने चाहिए। फिर आ गया कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, बार बार आते रहते हैं, लेकिन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की स्टोरी मुझे जरा अरेंज करा दे, बाकी आपने करना। छोड़ दे ना, इसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, पहले वो दिखा दो। 21 मिलियन इसका तरीका क्या है जी कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का? नहीं इस तरह नहीं, रिलैक्स ना रिलैक्स। आज क्या इन्वेस्ट करना, इक्वेशन बनाएगा, आज क्या लगाना है लिख बताएं ना, करें छोड़ दें, सब कुछ लिखना छोड़ दें, सब ने लिखना छोड़ दिया, इसकी इक्वेशन बनाए जी। आज क्या लिखना है? मार्केट वैल्यू। अब ये 21 मिलियन पूरा है, ऐसी बड़ी बड़ी फिगर्स है, पर बॉन्ड बता सकते हैं मार्केट वैल्यू? बिल्कुल ठीक हो गया। 21 डिवाइडेड बाय जो सही बताया छाजे, हाँ 105 ठीक है, कैसे लेकिन 21 मिलियन है। नंबर ऑफ डिबेंचर बताया जी, नंबर ऑफ डिबेंचर 20 मिलियन है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 0.2 मिलियन, 2 लाख मीन्स 0.2 मिलियन।
तो अगर 21 मिलियन लिखा आपने तो डिवाइड बाय 0.2 मिलियन बॉन्ड्स इज इक्वल टू 105 इज मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ द बॉन्ड। ये हो गया आउटफ्लो, ये तो इनफ्लो नहीं होगा, एक ही बात है, वो एक ही बात है, कल फैसला हो चुका है। ये वर्किंग करते हुए क्या बन जाए आप, कंपनी में बैठे बैठे इन्वेस्टर बन गए। जो कोई खरीदेगा कितने का एक बॉन्ड खरीदेगा उसको, ठीक है प्लीज 105, उसको इसके नतीजे में गौर से पढ़ते रहे, उसको इसके रिजल्ट के तौर पे ईयर वन से लेके ईयर फाइव तक पर एनम क्या मिलेगा ना, वो ठीक है वर्किंग करें आप, करें 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 100 के लिए आपने पर बॉन्ड इंटू 7%, यहां तक आंसर 7 आया, और देन फिर आपने इसे पोस्ट टैक्स बनाया 30% रेट था, 4.9 कितने ऐसे मिलेगा, एन्यूटी से वर्किंग कर लेंगे आप। लेकिन पांचवें साल के एंड पे क्या मिलेगा, हायर ऑफ मिलेगा, हायर ऑफ की वर्किंग करवानी है खामोशी से, हायर ऑफ ठहर जाए, हायर ऑफ टू थिंग्स, रिडम्पशन वैल्यू बताएंगे जी क्या होगी, बता दे, नहीं बताया हुआ, पर बॉन्ड 100 रुपए ही रिडम्पशन होगा प्लेट पार, अगर नहीं बताया हुआ, डिफरेंट हो सकता है, नहीं बताया हुआ। कन्वर्जन वैल्यू कैसे आती है, वहां वापस जाएं, पेज नंबर ना, कन्वर्जन वैल्यू आती कैसे, फार्मूला फाइनल, पेज नंबर 15 मेरा ख्याल है, 17 सॉरी, पेज नंबर 17, करंट मार्केट प्राइस बताएं, 5 रुपए शेयर की प्राइस, इसने कन्वर्ट होना, बॉन्ड ने कन्वर्ट होना शेयर में, करंट शेयर प्राइस, करंट बॉन्ड प्राइस नहीं, इसलिए मैंने कहा देख के जरा, सफा नंबर 17, करंट शेयर प्राइस है करंट बॉन्ड प्राइस, 5 गिवन है, 5 भी निकालनी है, 5 कैसे आया, 125 गेम ऑन है, 125 क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितने मिलियन शेयर्स की, 25 मिलियन कहां लिखा है, लिखा हुआ है 25 मिलियन शेयर्स हैं, एक शेयर की करंट मार्केट वैल्यू 5, या कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, कितनी, 4% पर एनम, कितने साल हैं, कंपाउंड होना है, डिस्काउंट होना है, पॉजिटिव 5 मल्टीपल बाय 19 कहां से बीच में आ गए हैं, पेज नंबर 17, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू व्हिच अ शेयर इज कन्वर्टेड 19, यकीनन ये 19 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे भी हो सकती है। फाइनल आंसर बता दें फिर लिखेंगे, 115.588, चलो ठीक है जी, हायर ऑफ क्या बना, यहां तक लिख लें, मुझे बता दें यहां से करना क्या है, अब आपने वो तो हो गया, अब आपने रेट गैस करना है, तो यहां तक लिख लें, बाकी फिर वही आगे कि अब रेट अज्यूम करना, तो काइंडली प्लीज मेक द थिंग सिंपल, जरा सोच के अपने हाथ से गुजारें चीजें। क्लास है आज आपकी, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं परेशान हूँ, अगर ना होते तो अभी छुट्टी कर लेते, अब है तो 2 मिनट और पढ़ना पड़ेगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा क्लियर,
जी किसने कैलकुलेटर पे आंसर निकाला, कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नहीं कैलकुलेटर पे करके लेकिन बहरहाल एक दो रेंजेस बना लें, बस ये डिसाइड हुआ था शायद ये तो कैलकुलेटर पे सॉल्व 6.44। ठीक सॉरी क्या कहना, नहीं बोल बेहतर ये कि प्रेजेंटेशन में इंटरपोलेशन लिख दें, लेकिन इसको कैलकुलेट करके अब 6 अगर है तो दो वर्किंग्स कर दें, 5-7 वगैरह के दरमियान दो का गैप रख के कर लिया करें, मतलब उसमें हर्ज नहीं है, सही आता आंसर, लेकिन प्रेजेंटेशन रखो। चले मेरे ख्याल बस इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बात समझ आ गई। अच्छा इसमें कंप्लीशन अभी रहती क्या है, नहीं अभी तो ये रहता ना इसका, फिर ऊपर से बैग निकालना, जब ये आ जाएगा तो बैग निकालना, तो मेरी तरफ से आज नया रहने दें आज, लेकिन इस तरह वो पेज फाइनल करना, फार्मूले कल कोशिश करें टिक्स पे हो, फिर आगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आप रह गए तो कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। नहीं दो की रेंज रखते हैं बस, फिर जरूर इतनी दूर जाना, जब पता चल ही गया कि 6 समथिंग है, बहरहाल एक रेंज रखने के लिए दो रख लो, मतलब दो का गैप रख लो, बाकी ठीक है। ये पोस्ट टैक्स बन गया हुआ है, पोस्ट टैक्स यहाँ हो गया हुआ है, आपने कुछ भी नहीं करना, ऊपर 4.9 होने से पोस्ट टैक्स हो गया है, अगर ये ऊपर आपने 7 लिखा हो तो ये प्री टैक्स होना था, नहीं नहीं उसने फिर भी नहीं होना है, वो एक नोट लिखा हुआ जो उस दिन आपने पढ़ा, ये वाला उसका नहीं होना, ये वाला 4.9 लिखा है तो पोस्ट टैक्स बनेगा, 7 लिखते तो प्री टैक्स बनेगा, और अगर वो प्री टैक्स करता तो हम 7 लिख के करते, प्री टैक्स निकाल के सीधा नहीं हो सकता ये वाला, वो अभी पूरा करने फिर मिलता होगा, क्यों नहीं हो सकता, सही है। 4.9 लिखा है कौन सा आएगा पोस्ट टैक्स, 7 लिख के क्या आना था, ठीक है। ये कल किया आपने वो जो क्वेश्चन किए थे आपने, उसमें प्री टैक्स पोस्ट टैक्स से ज्यादा वर्किंग हुई है जब रिडीमेबल, वैसे परेशान ना हो रिवाइज करने से भी, और फिर क्यों नहीं हो सकता वो भी डिस्कस कर लेंगे।